सबसे पहले यहाँ पर अभिजीत सिंह सांगा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनसे हम बात करेंगे। अभिजीत सिंह सांगा साहब, क्या कहना है आपका, किस तरह से आप देखते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सदस्य तालिबान के समर्थन में बयान देते हैं, समाजवादी पार्टी के एक सांसद तालिबान के समर्थन में बयान देते हैं हिंदुस्तान में रहकर, क्या कहना है आपका? देखिए, ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ और मैं बहुत साफ बात करना चाहता हूँ कि देखिए, हिंदुस्तान में जब से ये वाली घटना हुई है और इसके पहले भी अनेकों घटनाओं में देखने को मिला है कि मुस्लिम वर्ग में दो तरह के लोग हैं। एक तरफ तो वो लोग हैं जो कलाम को सलाम कर रहे हैं, वीर अब्दुल हमीद को सलाम कर रहे हैं, अशफाकुल्ला खां को सलाम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके आज चेहरे बेनकाब आप लोग कर रहे हैं, जो तालिबान को सलाम करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो मौलाना हो या आपके सफीकुंवर बर्क जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, ये जो आज तालिबान को सलाम कर रहे हैं, ये अपने विचार प्रकट करने का काम कर रहे हैं कि ये हिंदुस्तान और हमारे हिंदुइज्म से कितनी नफरत करते हैं। जी बिल्कुल जी, तो ये आपका कहना है और हमारे साथ आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल सागर साहब, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं और एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। सदस्य हैं मोहम्मद सुलेमान साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। सुलेमान साहब, क्या कहना है आपका, नोमानी साहब का बयान, शफीकुर रहमान बर्क साहब, हालांकि वो तो सियासतदान है लेकिन नोमानी साहब के बयान पर क्या कहेंगे आप, और अभी बीजेपी के विधायक हैं, युवा विधायक, उन्होंने भी अपनी बात रखी, क्या कहना है आपका? देखिए, खलील अहमद सज्जाद नोमानी साहब का बयान अफगानिस्तान में तालिबान की कामयाबी पर उनका अपना निजी बयान है, उनका अपना जज्बे इस्लामी के तहत उन्होंने बयान दिया, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। लेकिन ये ज़रूर मेरा कमेंट है कि बीजेपी के युवा विधायक के विचार हिंदुत्व के विचार हैं, जो किसी भी मुसलमान के बयान को गवारा नहीं कर सकते, उन्हें तो कहना ही चाहिए जो कहा है राष्ट्र। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, ये भारतीयता, अगर तालिबान के हुक्मरान, हमारी पूरी बात होने दीजिए, हमारी पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, हमारी पूरी बात सुनिए, अगर तालिबानी हुकूमत को अफगानिस्तान के अवाम वेलकम कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या दखल होना चाहिए? कोई दखल हमारा नहीं हो सकता, ये वक्त बताएगा कि अफगानिस्तान। तो सुलेमान साहब, यही बात नोमानी साहब को समझाइए ना, कामयाब होते कि पाक के अफगानिस्तान के बारे में क्या है, हिंदुस्तान तय है कि जैसा कि जो बिडन ने कहा कि हमने 20 साल अफगानिस्तान में कुर्बानी दी, 3 लाख अफगानी सिक्योरिटी फोर्सेस को हमने ट्रेन किया, लेकिन 30 घंटे में पूरा अफगान धराशायी हो गया, वो फौजी या तो उनसे मिल गए या भाग गए, ये तो जमीनी हकीकत है। इस जमीनी हकीकत से हम आंखें बंद कर ले। लेकिन सुलेमान साहब, जो लोग ये जो लोग आईएसआई के हाथ में खेलते हैं, सबसे बड़ा चाहे लोकतांत्रिक देश है, अपने इस बड़े लोकतांत्रिक देश को हमें अपने राष्ट्रीय हित को देखना पड़ेगा। हमारा राष्ट्रीय हित आरएसएस और बीजेपी का राष्ट्रीय हित नहीं है, हमारा राष्ट्रीय हित इसमें है कि हम नोमानी का राष्ट्रीय हित बताइए, ऑल इंडिया पर्सन तालिबान पसंद लोग हमारा राष्ट्रीय हित नहीं है। हमें बात करनी पड़ेगी, अगर रूस बात कर सकता है, अगर किर्गिस्तान बात कर सकता है, अगर बिडेन ये कह सकते हैं कि ये वास्तविकता है कि अफगानी वहां काबिज हो गए हैं, तो हमें अपने डिप्लोमेटिक चैनल से बात करनी चाहिए, हमारे अपने राष्ट्रीय हित को संभालना चाहिए। किस तरह हमारा $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहेगा, किस तरह हमारे जो लोकतंत्र को पसंद करने वाले तालिबानी भाइयों के अलावा अफगानी भाई हैं, उनका हित कैसे सुरक्षित होगा, ये हमें डिप्लोमेटिक चैनल में बात करके तय करना चाहिए, ना कि भारत के ये गोदी ये मीडिया के चैनल में बहस करके करने वाले लोग एक नफरत हैं, ये हर वो वजह बताने का काम करेंगे नफरत, जो भारत के हित को में नफरत नहीं। इसको नफरत का इशू बनाना और चुनाव के लिए इस्तेमाल करना, ये निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
ठीक है, चलिए रुके 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 सुलेमान साहब होने का है। अभिजीत सांगा बताइए क्या कहना है आपका। सुलेमान हमारे और अफगानी मोहम्मद सुलेमान को आपने सुना, क्या कहेंगे आप इनकी बात? बड़े विस्तार से उन्होंने अपनी बात की। मोहम्मद सुलेमान साहब की जो बात है ये भी तालिबान को सलाम करने वाली बात कह रहे हैं। ये उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं जो लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान को ऐसे लोगों को चिन्हित करने की ज़रूरत है जो हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो काम वर्ग के साथ जो कानूनी कार्रवाई की गई है, जो कानूनी कार्रवाई ऐसे जिम्मेदार लोगों के साथ और की जा रही है जो जिम्मेदार संगठनों से जुड़े होने के बावजूद भी देश का माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं, तालिबान के समर्थन में अपने वक्तव्य दे रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए और ऐसी कोई भी इनको वो माहौल नहीं देना चाहिए जिससे हमारे देश का माहौल खराब कर सके। बिल्कुल मोहम्मद सुलेमान साहब बताइए, भाजपा का एजेंडा यही है आप सवाल करेगा वो देशद्रोही होगा, जो सवाल करेगा वो देशद्रोही होगा। भाजपा का एजेंडा भारत माता को विश्व गुरु बनाना है, भाजपा का एजेंडा देशद्रोहियों को उनके स्थान पर पहुंचाना है, भाजपा का एजेंडा हमारे पूरे भारत देश को एकजुट रखना है। आप लोगों की तरह इस देश को बांटना हमारे ये एजेंडा नहीं है। आजादी की लड़ाई में आपका क्या इतिहास है हमको पता है। आप तालिबान को मानने वाले लोग हैं, आप कलाम को मानने वाले लोग नहीं हैं, आप वीर अब्दुल हमीद को मानने वाले लोग नहीं हैं, आप अशफाकुल्ला खां को मानने वाले लोग नहीं हैं, आप और देश कहीं ना कहीं दी आप है। कहीं ना कहीं तालिबान को मानने वाले लोग हैं, आप ओसामा बिन लादेन को मानने वाले लोग हैं, आप उन आतंकवादियों को मानने वाले लोग हैं, आप ISI को मानने वाले लोग हैं, आप पाकिस्तान को मानने वाले लोग हैं, आप इस देश को मानने वाले लोग नहीं हैं, आप इस धरती पर जन्म लेने के बाद भारत माता को डायन कहने वाले लोग हैं। आपको हम अच्छे से जानते हैं और हिंदुस्तान की आवाम आपको जान चुकी है। आने वाले समय में आपको आपकी हैसियत और आप बातों को गोल गोल ना घुमाइए, आप स्पष्ट बात करिए। आप वहाँ पे आज अफगानिस्तान में हिंदू नहीं भगाया गया है, आज अफगानिस्तान में मुसलमानों को खदेड़ा जा रहा है, आज अफगानिस्तान में मानवता को कलंकित करने का काम तालिबान ने करने का काम किया है और उसका समर्थन करके आप भी कहीं ना कहीं अपने चेहरे पर कलंक लगाने का काम कर रहे हैं। नवानी साहब बताइए, मैं किसी हिंसा के कार्य का समर्थन नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ लेट अस वॉच एंड सी, देखें कि क्या होता है वहाँ। हम अपने टीवी चैनल में बैठकर यहाँ निर्णय नहीं ले सकते कि वहाँ की आवाम क्या पसंद करेगी। तो आप भी तो ये देख सकते हैं, आप नौवानी का समर्थन कर रहे हैं, आप वर्ग का समर्थन कर रहे हैं, जो लोग तालिबान के समर्थन में बोलने का काम कर रहे हैं आप उनके समर्थन करने की बात कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, हिंदुस्तान में रह करके इस मिट्टी का खा करके आप भारत माता को जान कहने वाले लोगों का साथ देने का काम कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपना पक्ष रखने का काम करें, उनका सांसद आज तालिबान का साथ देने की बात कर रहा है, उनकी प्रशंसा करने का काम कर रहा है, आज मौलाना की प्रशंसा करने का काम कर रहा है। ऐसे लोगों को अगर उनके जो भी जिम्मेदार संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, इनके जिम्मेदार जो भी संगठन के बड़े लोग हैं, वो आज इस पे अपना स्टैंड देने का काम करें। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अपना वक्तव्य देने का काम करें, वो वर्ग के साथ हैं कि नहीं है, और अगर वर्ग ने गलत बोला है तो वर्ग को बाहर का रास्ता दिखाने का काम आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव करने का काम करें। आज पूरा प्रदेश पूरा देश आज अखिलेश यादव के इस वक्तव्य को सुनने का बेकार से इंतजार कर रहा है। ठीक है अभिजीत सांगा साहब, आपने अपनी बात कही और मोहम्मद सुलेमान साहब आपने तमाम बातें कही, अभिजीत सांगा ने जवाब दिया, आपने भी जवाब दिया, लेकिन एक बात जो पूरा देश पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त सुन रहा है आपसे मैं कह रहा हूं सीधे तौर पर कि बड़ा सवाल ये था जो हमने आपसे पूछा था सुलेमान साहब, उस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। हमने ये पूछा था कि आप नौमानी साहब के बयान का समर्थन कर रहे हैं, मजम्मत करते हैं उसकी, लेकिन आपने परोक्ष तौर पर उस बयान का समर्थन ही किया। अरे साहब ठीक है आपकी राय हो सकती है, आप तालिबान के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अगर दुनिया का कोई भी संगठन
पाकिस्तान की आईएसआई की शय पर चलेगा तो उसका हम विरोध करेंगे। इस देश का बच्चा बच्चा उसका विरोध करेगा, चाहे वो नमानी उसका उसको कोई सर्टिफिकेट दे दे या सुलेमान साहब आप सर्टिफिकेट दे दे, क्योंकि इस देश का जो वतन परस्त मुसलमान है वो कभी भी ऐसे किसी संगठन का समर्थन नहीं कर सकता जो हमारे देश के नौजवानों को बरगलाने में मददगार हो आईएसआई का, जो कश्मीर में अस्थिरता फैलाने में मदद करता हो आईएसआई की। ऐसे संगठनों का कोई भी देश का नागरिक समर्थन नहीं कर सकता। और आप जैसे लोगों को ये बात भी समझनी होगी। ये जो आपने एक शब्द सीख रखा है गोदी मीडिया, साहब आप समझिए कौन किसकी गोद में बैठा है, इसको आपको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अपनी शब्दावली को दुरुस्त करें और शब्दों की मर्यादा का खास ख्याल रखें। आपका शुक्रिया, और आगे से किसी भी टेलीविजन चैनल पर आप बैठे तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमने आपको आपके विचार रखने के लिए आपको बुलाया है। आप अपनी बात को रखें लेकिन कोई फैसला ना सुनाए। आपका शुक्रिया अभिजीत सांगा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आगे आपको दिखाएंगे यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में महंगाई के आंच पर कैसे सेक गई चुनाव की रोटियां, साथ ही बताएंगे किसान आंदोलन की लड़ाई खाप की भिड़ंत पर क्यों आई।